में 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मत डाले जा रहे हैं और उस वक्त हम आपको बता दें कि अब तक 11 बजे के आंकड़े बता दी जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है, 25% के आसपास अब तक वोटिंग हुई है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जय शाम के 6 बजे तक मतदान होना है वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में हम ये मान के चले कि इजाफा होगा। और हम आपको दिखा रहे हैं वीवीआईपी वोटर्स जिन्होंने आज अपना मतदान किया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे भी अब एलिजिबल हो गए हैं वोट डालने के लिए। तो चुनाव की तस्वीरें गांधी परिवार की, जहां पर सभी ने अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं और ये छठे चरण के मतदान की वो तस्वीरें जहां पर बाकी वीवीआईपी ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। विदेश मंत्री बीजेपी उम्मीदवार एस जयशंकर को आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा। वहीं पर अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वीरेंद्र सचदेवा, गौतम गंभीर, नायब सिंह, इसके अलावा अगर बीजेपी उम्मीदवार की बात की जाए मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला, हिना खान, रविंदर जैन बीजेपी के बीजेडी के नेता हैं, बीके पांड्यान, उन्होंने भी आतिशी ने वोट किया है, गोविंद राम ने वोट किया है जो कि केजरीवाल के पिता हैं, उन्होंने भी वोट किया है, संजय जायसवाल, हरिवंश नारायण सिंह, संजय अरोड़ा, जेपी जायसवाल, इन सब ने अलग अलग जगहों पर जाकर अपने मतदान किया है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी मतदान किया है, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो नीली स्याही दिखाई जिससे उन्होंने मतदान के लिए एक संदेश भी दिया कि आप भी जाइए मतदान करिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन इस बार 2019 में ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। किस तरह की उम्मीद देखते हैं आप इन 14 सीटों में जो छठे चरण की हैं? देखिए, जो हम लोगों छठे चरण में मुझे लगता है जिस प्रकार से मतदान बढ़ता जा रहा है लोगों को भी लग रहा है कि देना चाहिए, आना चाहिए और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप सुबह भी देखिए यहाँ पे युवा बहुत आना शुरू हो गए हैं, ये अच्छा संकेत है। तो मेरा मानना है ये अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पिछली चुनाव में 2019 में सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें इस वाले 2024 के चुनाव में आने वाली है। बीजेपी ने कहा था कि 400 पार का एक नारा दिया था, क्या वो पूरा होने जा रहा है? देखिए 300 के पार का जो था वो हम लोग 300 पार हम लोग पांचवें चरण में कर चुके थे और अब जो छठा और सातवां है हम 370 भी पूरा करेंगे और 400 पार का भी जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको भी हम लोग पूरा करने वाले। लेकिन दो लड़कों की जो जोड़ी है वो कह रही है 400 पार नहीं बल्कि 400 हार। अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, आप कर सकते हैं, मगर अब अखिलेश जी की एक आदत पड़ी है कि जब वो अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे के सामने जो आईना दिखाता है उस आईने को बयान कर देते हैं आके बाहर और वो आईना उनको दिखा रहा है 400 हार का, तो बेचारे यही बयान कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बोलूंगा तो न्यूज बनेगी। 400 हार उन्हीं की तरफ है, न ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, सचिन रावत प्रवक्ता एसपी और सौरभ दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सचिन रावत जी, आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, तीन चरण तक 300, चौथे चरण में 370 और फिर उसके बाद के चरणों में वो 400 पार जाएंगे, क्या कहेंगे आप? पहले मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, इंडिया अलायंस की बात पर आपने मैं आपको देख नहीं पाई, लेकिन मैं कह सकता हूँ आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ कुछ गलती लिखी हुई थी, माफ कीजिएगा। जी 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 चलिए गठबंधन क्या है, मान लीजिए अब भारतीय जनता पार्टी पहले जी 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 नीलू जी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें क्यों चाहिए? पहली बात तो 400 सीटों पे ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब जब ये छठा चरण का
मतदान हो रहा है, जब 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि उनकी हार होने वाली है, इससे पहले मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन सुन रहा था, उस संबोधन में मुझे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी कि उत्तर प्रदेश की उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने फिर वही बात की जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। वो पाकिस्तान चले गए, वो मुसलमानों की बात करने लगे, वो गोकशी की बात करने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे असल है बेरोजगारी, मुद्दे असल है महिलाओं की भागीदारी, मुद्दे जो है वो महंगाई है। आज जो धरातल पे सबसे बड़ा मुद्दा है वो नफरत का जो माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अब जो ये छठा चरण का मतदान हो रहा है जिसमें 25% के आसपास जो आज मतदान हो चुका है, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि जितने भी मतदाता हैं वो घरों से निकल कर अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका मौलिक अधिकार है, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है, इससे मजबूत सरकारें आती हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या है ये पूर्वांचल जो बेल्ट है, इस पूर्वांचल बेल्ट में जो हमारा इंडिया अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ा, जिस तरह से हमारी जो अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की जो जनसभाएं हुई जिसमें अपार समर्थन मिला, अपार भीड़ देखने को मिली, बार तो इसका बहुत मतलब सुखद नहीं था ये परिणाम, हालांकि बीएसपी के साथ विश्वास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सपा का गठबंधन बीएसपी के साथ था, आप अकेले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा सुखद यहाँ पर चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। इस बार लग रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी कबाल करेगी, क्योंकि देखिए आजमगढ़ उसके आसपास के कई इलाके हैं जहां पर एसपी का अच्छा खासा वर्चस्व था, तब भी 2019 में उन्होंने वो प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। वो देखिए क्या है कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अब परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल हैं, क्योंकि क्या है जनता जो है पिछले 10 सालों में अपने को ठगा महसूस कर रही है। युवा जो रोजगार मांगते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाठियां भांजी जाती हैं। आज महंगाई सबसे ज्यादा सातवें आसमान पर है। जो गैस सिलेंडर हम लोग 400 में दिया करते थे आज 950 का है। जो दाल हम लोग 100 रुपए 90 रुपए किलो थी अरहर की दाल, आज वो 150 के ऊपर बिक रही है। परिस्थिति तो, कितनी अनुकूल है ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ। आनंद जी, इन्होंने कहा कि नफरत फैलाकर आप वोट चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और उन्होंने कहा कि जब भी बातें होती है इसी तरह की बातें होती है, और इस वक्त परिस्थिति हमारे अनुकूल है, आपको क्या लगता है? देखिए, नफरत फैलाकर और बांटकर राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? हम आएंगे तो बहुसंख्यकवाद से लड़ेंगे, हम आएंगे तो सुनिश्चित करेंगे कि देश में मुस्लिमों का पर्सनल लॉ चलता रहे, हम आएंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश जाने का मौका मिले और उसकी स्कॉलरशिप सरकार वहन करे। ये कौन बांट रहा है? आप संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कह रही हम हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। किस तरह से 71 ओबीसी जातियों में से 65 मुस्लिम जातियों को उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया 2011 के बाद, और उसमें सिर्फ 6 हिंदू जातियों को रखा। तो जो काम आप कर रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट में करीब 8,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, वहां ओबीसी एससी एसटी आरक्षण नहीं लागू हो रहा है, आप लगातार आरक्षण छीन रहे हैं, लगातार आप जनता को धोखा दे रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, और फिर हम पे कह रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब सचिन जी से, आनंद जी हम ले लेंगे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल इलाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बीजेपी की बड़ी जीत का उन्होंने दावा किया है, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आप लोगों के पास दोबारा से लौटेंगे। बढ़िया हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे, उनका किस तरह से रिस्पांस मिला था, और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैंने बताया कि बहुत अच्छा रिस्पांस है जनता का, जो विकास कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो धरातल पर मौजूद हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने समाज को भयमुक्त समाज दिया है, उससे भी लोग जो है बहुत खुश हैं। अच्छा, इस सीट पर यह कहा जा रहा है कि ये विरासत की लड़ाई है, एक तरफ जो है पंडित कृष्णा त्रिपाठी जी के आप पुत्र हैं जो कि पूर्व राज्यपाल रहे, कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, और दूसरी तरफ रेतु रमण जी के बेटे उज्ज्वल रमण जी हैं, कैसी लड़ाई मानते हैं सीट पर? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं,
एक व्यक्ति उसने सिर्फ राजनीति में सिर्फ ईमानदारी की और अपना नाम कमाया, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो 30-40 साल से राजनीति में होने के बाद भी आज भी गलत तरीके अपना रहा है, हथकंडे अपना रहा है। तो क्या स्थिति है आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। और इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया है। की है कि सकुशल मतदान हो, अच्छा मतदान हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और किसी बाधा के बिना किसी विघ्न के, और ये उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जितने ज्यादा मतदाता निकलेंगे उतना बेहतर जो है प्रयागराज का भविष्य होगा। जिन मुद्दों को आपने उठाया था इस चुनाव में, तमाम मुद्दे आपने उठाए थे, उन मुद्दों पर किस तरह का जन समर्थन मिला है? निश्चित तौर से अपार जन समर्थन है, अपार लोगों का प्यार मिला है, और उस प्यार के बदौलत मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी जीत दर्ज करने जा रहा है। एक चीज यहाँ पर कही जा रही थी बार बार कि ये दो परिवारों के राजनीतिक जो परिवार है उनकी विरासत की लड़ाई है, इसको हमेशा आप नकारते रहे। नहीं, निश्चित तौर से ये विरासत नहीं, ये तो हमेशा मैंने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है। और निरहुआ ने आजमगढ़ में अपनी जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है, और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। गुड्डू जमाली कोई फैक्टर है समाजवादी पार्टी को उन्हें लाना पड़ा अपनी तरफ? वो देखिए क्या है कि गुड्डू जमाली को आगे करके और दुर्गा यादव जी को धक्का देते हैं मंच पे, उनको अपमानित करते हैं, तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप, और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, जो कि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, जो भी हैं, आजमगढ़ रहिए, आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते हैं, वो रहते नहीं। सचिन के पास जाएंगे। जो सवाल आनंद दुबे ने पूछा था तुष्टि मुस्लिम तुष्टिकरण की और फिर ओबीसी को आरक्षण देने की, मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर, सचिन जी आपसे जवाब ले लेंगे। सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर इन 14 सीटों की बात की जाए, दावे बहुत हैं, अभी सचिन जी को सुन रहे थे कि इस बार स्थिति कुछ दूसरी है और इस बार जो चीजें आएंगी वो सब देखकर भौचक्के रह जाएंगे, लेकिन 2019 को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी जो दम भर रही है और अब भी वही कह रही है कि इस बार भी वही प्रदर्शन रहेगा और 80 की 80 सीटें लेकर आएंगी, हालांकि सीटों पे टफ फाइट जरूर है। सर, नहीं देखिए, भौचक्के कैसे रह जाएंगे? भौचक्के तो तब रह जाएंगे ना जब वो किसी की मेहनत दिखाई दे रही हो सामने, ऐसा लग रहा हो कि वहां के पूरे जो नेता हैं मिल करके वो साथ में जमीनी स्तर पर चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी के दिख रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5-5, 6-6 रैलियां एक दिन के अंदर करना, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आप सुबह से शाम तक देखिए जनता के बीच में है। देखिए, जो जनता के बीच में होगा निश्चित रूप से जनता उसको चुनेगी। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कांग्रेस के हमारे मित्र, उन्होंने एक बात कही कि जनता को जो है वो मुद्दों पर जो है वो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं मुद्दों पर जो भी चुनाव लड़े जनता तो मुद्दों पर ही वोट करेगी। अगर उसको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है राशन दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, एक अच्छा सुरक्षा का माहौल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। अगर उसको लगेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जनता को लाभ हुआ तो उसको वहां पर वोट करेगी। तो ये विषय नेताओं का नहीं है बात करने का, नेता तो अपनी रैलियों में बात करेंगे, जो सत्ता में रहे हैं, जो सरकार में रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। ये जनता का विषय है कि उनको कितनी मिली है सरकार से जो है उपलब्धियां, कितनी प्राप्त हुई है, वो उस सरकार को चुनेंगे। जनता समझदार है और जो जनता के लिए काम करके देगा जनता उसी को मत देगी, अपना मतदान उसी के पक्ष में करेगी। हम इसका जवाब हम सचिन से लेंगे, लेकिन सचिन रावत जी उससे पहले एक तस्वीर जरा दिखा देते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग धोनी के फैन है। आज झारखंड में भी मतदान हो रहा है और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी, आप देख सकते हैं रांची में उनका पोलिंग बूथ था,
जहां पर पहुंचे तो भीड़ और मीडिया की भीड़ किस तरह से दिखाई दी है, वो तस्वीरें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर मीडिया वाले हैं, पूरी गैलरी भरी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में पोलिंग बूथ पहुंचकर वहां पर अपना मतदान किया। झारखंड में भी आज मतदान हो रहा है और महेंद्र सिंह पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सचिन, आपने